फ्रेंड्स वेलकम बैक टू ज्ञानविदोन एकेडमी। फ्रेंड्स आज हम डिस्कशन करिबा आपनकर इंडियन पॉलिटिक्स। ए इंडियन पॉलिटिक्स एक इंपोर्टेंट टॉपिक आज हम डिस्कशन करिया पे जाउछंती। तो टॉपिक टी अछि आपनकर मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो एही सेशन रे हमें टॉप 30 एमसीक्यूज डिस्कशन करिबा। तो चलंतु सेशन टी को आरंभ करिबा। फर्स्ट क्वेश्चन रे देखिबा इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली was established under तो ठीक क्वेश्चन पचला हमर इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कहा अंडर रे एस्टेब्लिश करा जाय थिला। तो फ्रेंड्स एठी अपन करेक्ट आंसर आसी जीवो ऑप्शन सी जहा कि हमर कैबिनेट मिशन प्लान 1946 अंडर रे हमर इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली गठन करा जाय थिला। तो फ्रेंड्स आमे वर्तमान पे किसी मु इंपोर्टेंट पॉइंट डिस्कशन कर छी अपन मन से सब ठीके ध्यान दे। देखंतु आमर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पे प्रथम करके आमर 1934 रे एम एन रॉय माने रखंतु नाटी आपनकर एम एन रॉय प्रथम करके एहाकु से आइडिया दैथिले जे आमर इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली गठन करिबा आवश्यक बा आमर कॉन्स्टिट्यूएंट प्रिपेयर करिबा पई आमर गोटे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली गठन करिबा निहाती दरकार। तो एहा को प्रथम करके आइडिया देथिले एम एन रॉय। जदी एमिति आपन क्वेश्चन पचारी देबो जे आमर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली गठन करिबार प्रथम आइडिया के देथिले तो आपन आंसर करिवे एम एन रॉय बोली 1934 रे। देन ता पर आपन 1935 रे 1935 रे एको आईएनसी एको आईएनसी आपन कर इंडियन नेशनल कांग्रेस एको से ऑफिशियली एको डिमांड करथिले आपन कर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को आईएनसी 1935 रे ऑफिशियली एको डिमांड करले जे हमर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हमर गठन करबा आवश्यक इंडिया रे कॉन्स्टिट्यूशन प्रिपेयर करबा पई। तार पर आपन कर कोन हला ना 1935 रे जवाहरलाल नेहरू आमर जवाहरलाल नेहरू से कोन कहिथिले ना से कहिले जदि आमर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली गठन करा जीवो आ सेथिरे कोनसी आउटसाइडर सेते इंटरफेरेंस करिवे नाही एहा को डिमांड करथिले आमर जवाहरलाल नेहरू कोनसी आउटसाइडर सेथिरे इंटरफेरेंस करिवे नाही आमर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रे बुझेला। आ ता परे आपण कर 1940 रे आपण मन जानिथिबे आमर इंडिया को एक ऑफर आस्तिला जहा को आपण माने अगस्ट ऑफर बोलिके जहा को आपण माने जानु छथि से अगस्ट ऑफर रे कोन आइथिला ना से माने ब्रिटिशर मन कहले कि आमर ब्रिटिश गवर्नमेंट रो किसे मेंबर आपण कर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रे मेंबर करे होई कि रहिबे किंतु ता परे कोन हला ने ता परे हमर 1942 रे आपण कर एक मिशन आस्तिला इंडिया को जहा को आपण माने क्रिप्स मिशन बोली कि जानु छथि क्रिप्स मिशन ताको कहा जाय। क्रिप्स मिशन 1942 रे इंडिया को आसिला आ से ए जे क्रिप्स मिशन 1942 रे इंडिया को आसिला आ ए क्रिप्स मिशन रो जे के हेड थिले आ से थिले आपण सर स्टैनफोर्ड क्रिप्स आ जे के से थिले हमर कैबिनेट मिशन रा मेंबर मध्ये से थिले किंतु फ्रेंड्स कोन हेतिला ना जो 1942 रे क्रिप्स मिशन आसे थिला ए क्रिप्स मिशन को हमर मुस्लिम लीग ए क्रिप्स मिशन को हमर मुस्लिम लीग यहा को रिजेक्ट कर दैथिला मुस्लिम लीग यहा को रिजेक्ट कर दैथिला मुस्लिम लीग यहा को रिजेक्ट कर दैथिले हमर क्रिप्स मिशन को मुस्लिम लीग यहा को रिजेक्ट करिवार भी रीजन थिला कहि कि मुस्लिम लीग चाहुतिला जे इंडिया दुईटी ऑटोनॉमस स्टेट हे जाय बोले दुईटी ऑटोनॉमस स्टेट हे जाय बोले कि इंडिया या को चाहुतला सेति लागि क्रेप्स मिशन को मुस्लिम लीग रिजेक्ट करूतला। और ता पर अपन को फाइनली 1946 रे कैबिनेट मिशन प्लान एस्टेब्लिश होय करैथिला कोन नाइ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बुझेला फ्रेंड्स। तो चलो हम जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन कहिछि What was the basis for the constituting the constituent assembly of India? कहला अमर जो अमे constituent कले constitution assembly तार बेस कौन थिला? तार बेस थिला अमर cabinet mission option B अपन करो इटी correct answer है जीबो मन रखने friends अपन करो cabinet mission establish है थिला
आपनकर 6 डिसेंबर 1946 रे एको मन रखंथ हमर कैबिनेट मिशन केबे एस्टेब्लिश हे जदि क्वेश्चन पछि हमर कैबिनेट मिशन आपनकर 6 डिसेंबर 1946 रे डेट भी मन रखियो 6 डिसेंबर 1946 रे हमर कैबिनेट मिशन एस्टेब्लिश करा जायथिला बुझेला तो चलन जो नेक्स्ट क्वेश्चन को नेक्स्ट क्वेश्चन कहि छि मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हु ड्राफ्टेड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वेयर कहले कि हमर जो इंडिया रे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ड्राफ्ट करा जायथिला तो सेथि एको किए ड्राफ्ट करथिला बा को माने एथिरे ड्राफ्ट करि परिबे तो आपनकर करेक्ट आंसर आसी जेबो ऑप्शन सी जेहे कि आपनकर सेठ जो माने सब इलेक्टेड लेजिस्लेटिव असेंबली रो वेरियस प्रोविडेंस याकु इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को ड्राफ्ट करि परिबे तो देखन तो आपनकर जो सेते बेले एहाकु एई परिभावरे नियम करै जैथिला जे आपन माने जानिथिबे हमर टोटल इथरे मेंबर थिले आपनकर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली रो टोटल मेंबर थिले आपनकर 389 मेंबर थिले माने रखंतु हमर कॉन्स्टिट्यूशन जो गठन करा जायथिले कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सेथरे टोटल मेंबर थिले 389 टोटल मेंबर थिले आ 389 रु आपनकर 296 थिले आपनकर ब्रिटिश इंडिया 296 मेंबर थिले आपनकर ब्रिटिश इंडिया थिले 296 मेंबर देन आपनकर जो रहिले आ केत रहिले आ आपनकर 93 रहिले ए 93 मेंबर रहिले आ आपनकर प्रोविनेंसी स्टेट मानकर आपनकर प्रोविनेंसी स्टेट मानकर रहिले 93 मेंबर बुझिले आ ए आपनकर 296 जो ब्रिटिश इंडिया रहिले से 296 रु आपनकर 292 मेंबर्स अपन टोटल जो 11 गवर्नर प्रोविडेंस रहिले 11 गवर्नर प्रोविडेंस रहिले सेथरे माने मेंबर रहिले 292 मेंबर कोट आसीले ना 11 गवर्नेंस प्रोविडेंस रो आसीले आउ आपनकर जो रहिले 4 जण आउ जो रहिले 4 जण मेंबर ए 4 जण मेंबर आपनकर आसीले कमिश्नर प्रोविडेंस रो ए 4 जण मेंबर आसीले आपनकर कमिश्नर प्रोविडेंस रो आसीले बुझिला तो एई परिभाव रे हमरो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रो मेंबर मान को सब इलेक्ट करा जायथिला बुझिला तो चलन जीव नेक्स्ट क्वेश्चन डी अछि हु वाज नॉट ए मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तटी क्वेश्चन पछला हमरो निम्नलिखित मध्यरो के कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रो मेंबर नथिले आपनकर करेक्ट आंसर आसी जीव ऑप्शन डी आपनकर करेक्ट आंसर आसी जीव तो हमर जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली गठन करा जायथिला सेथिरे हमर महात्मा गांधी सेथिरे मेंबर नथिले तो आपनकर करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हे जीव ते नेक्स्ट क्वेश्चन देखिवा हाउ मेनी वुमेन मेंबर्स वेयर देयर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली एठी क्वेश्चन पछला हमर केते जण वुमेन मेंबर थिले हमर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली रे त हमर केते जण मेंबर थिले वुमेन मेंबर त हमर वुमेन मेंबर 15 जण थिले हमर महिला कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली रो 15 जण मेंबर थिले बुझेला तो चलन जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन को नेक्स्ट क्वेश्चन दि कहि छि व्हिच मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली प्रपोज द रिजोल्यूशन दैट द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया बी ए हॉरिजॉन्टल ट्राइकलर ऑफ सैफ्रन व्हाइट एंड डार्क ग्रीन इन द इक्वल पोर्शन विथ ए व्हील इन नेवी ब्लू एट द सेंटर तो एठी क्वेश्चन पछला हमर जो इंडियन फ्लैग अछि से जो ट्राइकलर रहिबो एवं सेथिरे सैफ्रन रहिबो व्हाइट एवं डार्क ग्रीन आ मझे जो व्हाइल इन नेवी ब्लू रे रहिबो यहा को किए प्रपोजल देथिले से क्वेश्चन पछल तो यहा को हमर जवाहरलाल नेहरू ऑप्शन ए आपनकर करेक्ट आंसर आसी जीवो यहा को हमर जवाहरलाल नेहरू एही प्रपोजल टे देथिले हमर जो ट्राइकलर हम जो फ्लैग अछि इंडिया नेशनल फ्लैग से हमर हॉरिजॉन्टल ट्राइकलर रहिबो जो ट्राइकलर सैफ्रन रहिबो व्हाइट रहिबो डार्क ग्रीन रहिबो आ आपनकर
व्हेल इन द मिडिल रहिबो जोटा कि व्हेल टी अपन कर नेवी ब्लू रे रहिबो इन द सेंटर बुझेला याकु और जवाहरलाल नेहरू याकु एही प्रपोजल दे देथिले आड म कहि रखु छी हमर जो नेशनल फ्लैग ये हमर केबे अडॉप्ट करा जाय छिले ने नेशनल फ्लैग अपन कर 22 जुलाई 1947 ले याकु अडॉप्ट करा जाय छिला हमर नेशनल फ्लैग हमर नेशनल फ्लैग नेशनल फ्लैग 1947 22 जुलाई रे याकु अडॉप्ट करा जाय छिला और ये अपन क्वेश्चन पछि तो हमर नेशनल एंथम से केबे अडॉप्ट करा जाय छिला नेशनल एंथम हमर 24 जनवरी 1950 रे हमर कौन नेशनल एंथम अडॉप्ट करा जाय थिला बुझेला तो चलो जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन को नेक्स्ट क्वेश्चन टी कहि छि हु अमंग द फॉलोइंग आर द टू सिविल सर्वेंट्स हु अरेस्टेड इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इन फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहला को दुई जन सिविल सर्वेंट से समय अरेस्ट होइथिले जेतेबेले हमर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फ्रेमिंग करा जाउथला तो एठी आपनकर करेक्ट आंसर आसी जो जो दुई जन अरेस्ट होइथिले से दुई जन आपनकर जे किथिले बी एन रॉय एवं आपनकर एस एन मुखर्जी बी एन रॉय एवं एस एन मुखर्जी आपनकर ऑप्शन सी एठी करेक्ट आंसर आसी जो ऑप्शन सी एठी आपनकर करेक्ट आंसर आसी जो जेतेबेले बी एन राव एवं एस एन मुखर्जी से दुई जन थे सिविल सर्वेंट्स जेतेबेले से माने कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फ्रेमिंग करथिले इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे सेतेबेले से मानको अरेस्ट करा जायथिला बी एन रॉय एवं एस एन मुखर्जी देन चलन जो नेक्स्ट क्वेश्चन को द नेक्स्ट क्वेश्चन हु प्रिसाइडेड ओवर द इनॉग्रल मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया तो एटी क्वेश्चन पछला अमर जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इनॉग्रल मीटिंग हेतला सेठी किए प्रिसाइडेड करथिला त अपनकर करेक्ट आंसर आस जीव ऑप्शन बी सेथिरे प्रथमे अमर जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होइथिला से इनॉग्रल मीटिंग रे सचिदानंद सिन्हा सेथिरे प्रेसिडेंट थिले बुझेला त ऑप्शन बी अपनकर करेक्ट आंसर होइ जीव देन नेक्स्ट क्वेश्चन चलन देखिबो हु वाज द फर्स्ट इलेक्टेड चेयरमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया तेटी क्वेश्चन पचला अमर जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली गठन करा जाय थिला तो सेथिरे फर्स्ट चेयरमैन के होय थिले तमर जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली गठन करा जाय थिला 1946 रे तो सेथिरे अमर चेयरमैन थिले के नै अपन कर करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हे जो जाके अपन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेथिरे चेयरमैन ताको इलेक्ट करा जाय थिला देन चलन जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन को नेक्स्ट क्वेश्चन दे अछि The Constitution of India was adapted by कहला हमर जो भारतर संविधान कहा द्वारा अडॉप्ट करा जाय थिला तो अपन कर करेक्ट आंसर ऑप्शन इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हे जीवो ऑप्शन सी अपन कर एटी करेक्ट आंसर हे जीवो हमर जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से हमर इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली द्वारा अडॉप्ट करा जाय थिला देन नेक्स्ट क्वेश्चन चलन देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन दे अछि द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज हमर जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली गठन करा जायथिला सेथिरे हमर ड्राफ्टिंग कमिटी रो चेयरमैन के थिले त हमर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रो ड्राफ्टिंग कमिटी रो चेयरमैन थिले हमर डॉक्टर बी आर अंबेडकर ऑप्शन सी आपनकर करेक्ट आंसर होइ जइबो द नेक्स्ट क्वेश्चन How many members were there in the drafting committee? तो ये क्वेश्चन पछला हमर जो drafting committee रो मेंबर केते जनों सदस्य रही थिले तो हमर drafting committee रो हमर सात जनों मेंबर रही थिले ऑप्शन ए अपन को एठी करेक्ट आंसर हे जइबो आ से सात जन अपन को प्रथम तो रहिले डॉक्टर बी आर अंबेडकर डॉक्टर बी आर अंबेडकर तापर अपन को डॉक्टर एम के मुनीस सेकंड रे डॉक्टर एम के मुनीस तापरे अपन कर एन गोपालचारी तापरे अपन कर एन गोपालचारी देन अपन कर तापरे सायद मोहम्मद तापन कर अपन कर सायद मोहम्मद देन अपन कर आसी गले कृष्ण स्वामी अय्यर
कृष्णा स्वामी आयर देपरे आपण कर टी टी कृष्णाचारी टी टी कृष्णाचारी देन आपण कर एन माधव राय एन माधव राय तापरे आपण कर बी एल मित्रा बी तो ए सात जन सेथरे मेंबर रहिथिले मन रखिबे। चलन जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन अछि हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट ए मेंबर ऑफ ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो क्वेश्चन पचला हमर ऑप्शन मानक मध्यरु के हमर ड्राफ्टिंग कमिटी रो मेंबर नथिले। तो अपन करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हे जीवो जे कि जवाहरलाल नेहरू हमर ड्राफ्टिंग कमिटी रो मेंबर नथिले। देन नेक्स्ट क्वेश्चन चलन देखिवा हु वाज द चेयरमैन ऑफ एडवाइजरी कमिटी ऑन फंडामेंटल राइट्स एंड मॉनिटरी। हमर एडवाइजरी कमिटी रो फंडामेंटल राइट रो के थिले चेयरमैन। तो सेथिरे चेयरमैन थिले अपन कर एच पटेल बा सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल सेथिरे चेयरमैन थिले एडवाइजरी कमिटी ऑन फंडामेंटल राइट्स रो। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबो। नेक्स्ट क्वेश्चन अछि हु वाज द चेयरमैन ऑफ द यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी। हमर यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी रो चेयरमैन के थिले। हमर यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी रो चेयरमैन थिले जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन सी अपन कर एटी करेक्ट आंसर हे जिवो। देन नेक्स्ट क्वेश्चन हु वाज द चेयरमैन ऑफ प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो एटी क्वेश्चन पछला हमर जो सब प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी थिला सेथिरे चेयरमैन के रहिथिले। तो हमर प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी रो चेयरमैन थिले अपन कर सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन डी अपन कर करेक्ट आंसर हे जिवो। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फर्स्ट ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाज प्रिपेयर्ड बाय। हमर द कॉन्स्टिट्यूशन प्रथम ड्राफ्ट कहा द्वारा प्रिपेयर करा जायतिला ना हमर प्रथम कॉन्स्टिट्यूशन रो प्रथम ड्राफ्ट हमर बी एन राव। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हे जिवो। बी एन राव को द्वारा प्रिपेयर करा जायतिला जोटे के सेथिरे थिला अपनकर 240 क्लॉजेस थिला। 240 क्लॉजेस सेथिरे आर्ट करा जायतिला एवं सेथिरे हमर 13 टी शेड्यूल रहितिला। 13 टी शेड्यूल्स सेथिरे रहितिला। मन रखंतु जो हमर प्रथम कॉन्स्टिट्यूशन प्रथम ड्राफ्ट जो करा जायतिला बीएन राव के द्वारा करा जायतिला और सेथिरे 240 टी क्लॉजेस थिला और 13 टी थिला शेड्यूल्स 13 टी रहितिला सेथिरे। देन चलन जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन जो अछि हु वाज अपॉइंटेड एज द असेंबलीज कॉन्स्टिट्यूशन एडवाइजर in 1946 during the framing of the indian constitution। la jeto bele amar indian constitution tiyari kara gala seto bele amar assembly constitution advisory kaha ko appoint kara jaitila। ta apan gar correct answer option b he jibo bn rao। se samare bn rao ko amar assembly's constitution advisor committee ro chairman bhabare appoint kara jaitila। then chalan jiwa next question ko। नेक्स्ट क्वेश्चन जो अच्छी हाउ मेनी सेशंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वेयर कंडक्टेड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कहले हमर जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गठन करिवा पई हमर केतोटी मीटिंग इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली करा जायथिला। तो सेठी हमर केतोटी मीटिंग होइथिला ना हमर सेथिरे हमर 11 टी मीटिंग होइथिला बा 11 टी सेशन सेथिरे गठन करा जाय थला बा 11 टी सेशन बा 11 टी मीटिंग सेथिरे होई थला। देन चलन जो नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन रे कहिछि हमर टू प्रोड्यूस द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली टू कला हमर जो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोड्यूस करिया पई हमर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कोन केते समय तक लागि थला। तो ताको आपन माने जानि थेबे एहा को हमर 2 वर्ष 11 मास 18 दिन सेथिरे समय लागि थला। आपणकर ऑप्शन ए एठी करेक्ट आंसर आसीजिवो। 2 मास 11 सॉरी 2 वर्ष 11 मास 18 दिन सेतिरे समय लागितले आ एसे टोटल आपणकर 641 लाख टंका से समय 641 लाख टंका सेतिरे खर्च होइतला बा एक्सपेंडिचर सेतिरे थिला 641 लाख। देन चलनबा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दे अछि हाउ मेनी पार्ट्स आर देयर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हमर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ले केतोटी पार्ट रहिछे हमर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ले 25 टी पार्ट रहिछे। ऑप्शन डी अपन करेक्ट आंसर हे छबो। देन चलन जो नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन कहिछे
व्हिच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंसिस्ट ऑफ आर्टिकल्स ऑन इलेक्शन એટલે આમર ઇન્ડિયન કોન્સ્ટિટ્યુશન કેવું પાર્ટ રે આમર ઇલેક્શન ઇલેક્શન રો આર્ટિકલ ગુડી કો રહી છે તો આપણકર ઇલેક્શન રો આર્ટિકલ ગુડી કો આપણકર ઇન્ડિયન કોન્સ્ટિટ્યુશન રે કો પાર્ટ રે રહી છે ના આપણકર કરેક્ટ આન્સર આસી જીવો ઓપ્શન એ જે કે આપણકર પાર્ટ 15 બોલી તો કોંતી 15 બોલી તો કોંતી તેન ચાલન જીવા નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન કો નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન દે છે Which part of Indian Constitution contain the provisions on the Union Territory? कोहला आमर Indian Constitution नो क्यों पार्ट रे आमर Union Territory विषय रे लिखा हुआ है क्यों पार्ट रे ना आमर Part A जो लेके अपन को Option A Option A अपन को तो correct answer है जीवो Next question चलन देखिवा Next question टिका ही ची Which among the following states doesn't फॉर्म अंडर सिक्स्थ शेड्यूल्ड ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन એટલે આમર જો સબ સ્ટેટ ગુડી કછે સે સ્ટેટ અમર 6th શેડ્યુલ્ડ અંડર કો સ્ટેટ ટી આસુને આપણકર કરેક્ટ આન્સર ઓપ્શન ડી હે જો કે સિક્કિમ અમર શેડ્યુલ્ડ 6 અંડર રે આસુને તો અમર સે શેડ્યુલ્ડ 6 અંડર જો સબ સ્ટેટ આસુ છે સે આપણકર આસામ મિઝોરમ ત્રિપુરા એવં મેઘાલય તેન ચાલન જો નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન કો નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન ટી કહી છે Who is one of the following schedules of Indian Constitution of India has fixed the number of members of the Rajya Sabha to be elected from each state? तो अपन को correct answer सेटा को scheduled बोली से पता चर्चे अपन को correct answer ऐसे जो scheduled fourth option D अपन को correct answer ऐसे जो fourth scheduled. The next question: Who is one of the following schedules? Of Indian Constitution, India has distributed the power between Union and State. खेले हमारा को schedule अंडर रे हमारा Indian Constitution तरह power distribute करी चाहिए State एवं Union मध्य रे। तो से schedule अपन करो, so seventh schedule question number sorry option number D अपन करो correct answer है जो seventh schedule. The next question, name of the country from which the Indian Constitution features. produces the amendment of the borrowed by India तो अपन का करेक्ट आंसर यूएस है जो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है जो द नेक्स्ट क्वेश्चन नेम ऑफ द कंट्री फ्रॉम व्हिच कॉन्स्टिट्यूशन पिटिशंस बायोकेमिकल सिस्ट द नेक्स्ट क्वेश्चन नेम ऑफ द कंट्री फ्रॉम व्हिच ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन petitions and biocameral system are influenced from तो एठे अपन को करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हे जो जे कि अपन को यूनाइटेड किंगडम ऑप्शन डी अपन को करेक्ट आंसर हे जो द नेक्स्ट क्वेश्चन नेम ऑफ द कंट्री फ्रॉम व्हिच द कॉन्स्टिट्यूशन सिटीजनशिप सिस्टम आर इंस्पायर्ड फ्रॉम तो अपन को करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हे जो इंग्लैंड The next question, name of the country from which the judicial review was originated. Judicial review, अपन करो USA. Option C correct answer है जो. The next question, name of the country from which the written constitution was borrowed. हम जो written constitution क्यों गंटलू borrow करा जाए इचे, तो अपन करो USA. Option A अपन करो correct answer है जो. तो friends यह थिला अपन करो किसी important MCQ जहाँ हम discussion करले. अबाउट मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तो आशा करूँ आप सेशन टी भल लगी थी पुणी देखा हुआ आउ एक नुआ सेशन ले धन्यवाद